कैथल के चंदाना गेट के एसएस बाल सदन स्कूल ने वैलेंटाइन डे पर बच्चों के साथ मिलकर एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि 14 फरवरी को लगभग युवा अपने प्रेम का इजहार करते हुए अपने प्रेमिका के साथ मिलकर वैलेंटाइन डे के रूप में इस दिन को मनाते हैं, लेकिन कैथल के एसएस बाल सदन स्कूल ने इस दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया है, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को स्कूल में बुलाकर उनके साथ इस दिवस को मनाया गया है और आए हुए माता पिता का स्वागत किया गया है और उन्हें फूल माला व तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया है। उनके एमडी द्वारा क्या कुछ कहना है? आप सबको मातृ पितृ दिवस प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि फोर्टीन फेब का डे सेलिब्रेट होता है एज ए वैलेंटाइन डे और इसको हमारा स्कूल सेलिब्रेट करता है मातृ पितृ और बच्चों के बीच में जो प्यार है उस स्वरूप को लेकर। आज हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं अपने जो संस्कार हैं वो भूलते जा रहे हैं और वो वैलेंटाइन डे को एक अनदर वे में सेलिब्रेट करने लग गए हैं। तो स्कूल का जो मोटो है वो ये है कि बच्चों को संस्कार दिए जाए और उन्हें बताया जाए कि जो माता पिता है उससे बड़ा और उनसे प्यारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो एक क्लैप अपने अपने मम्मी पापा के लिए। इस दिन को वैलेंटाइन डे के नाम से प्रसिद्ध किया फॉरेन में। फॉरेन और भारत में बहुत बड़ा अंतर है। भारत का जो बच्चा है वो माँ को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है, बाप को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है और वास्तव में है भी, क्योंकि सुबह शुरू होने से लेकर रात के सोने तक माँ बाप बच्चे की हर तरह से रक्षा करते हैं, हर तरह से सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। वास्तव में अगर आज के दिन का कोई फूल का, कोई गुलाब के फूल का सच्चा हकदार है तो वो है माँ, वो है पिता। अगर हम अपने माता पिता के चरणों को छुएंगे तो उनसे बड़ा तो भगवान भी नहीं है। भगवान ने भी अपने अवतरण के लिए बच्चों में भगवान का रूप दिखाने के लिए माँ को जमीन पर भेजा है। इसलिए एसएस बाल सदन हर वर्ष इस दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के नाम से मनाता है और मनाता रहेगा, क्योंकि हमारा काम है बच्चों में संस्कार देना, बच्चों को उनके माँ बाप से जोड़ना। आज मैं बच्चा हूँ, कल मैं पिता हूँगा, आज मैं बहू हूँ, कल मैं दादी होंगी। तो चाहे वो सास है उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो ससुर है उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हैं, माँ बाप को भगवान की तरह से पूजा। तो क्या संदेश है इस बार सदन इस को लेकर जो वो तमाम लोगों को देना चाहते? मैं तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। सबसे पहला प्यार करो तो अपनी माँ से करो, अपने बाप से करो। भगवान का रूप है ये, अगर आप इनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो आप जिंदगी में सफल होंगे, और अगर आप इनका अनादर करोगे तो भगवान आपका अनादर करेगा। इसलिए आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आप अपने माँ बाप के चरणों में फूल रखकर उनको एक बार नमस्ते माँ, नमस्ते पिताजी बोलिए, उनका मन इससे ही बड़ा खुश होगा। इससे आसान काम हो नहीं।